छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इन दिनों आईटी और ईडी की रेड ने हड़कंप मचा दिया है। हम उस जगह पर मौजूद है जहां पर ईडी की रेड पड़ी हुई है। आज सुबह तड़के 6 बजे ईडी की कुछ टीम यहां पर पहुंची थी, महाराष्ट्र की टीम यहां पर पहुंची है, महाराष्ट्र की गाड़ी में यहां पर पहुंची थी और तड़के इस कदर ईडी की टीम पहुंची थी कि जो ज्वेलरी शॉप की दुकान है वहाँ पर हड़कंप मचा हुआ था। उसके बाद से राजधानी रायपुर सहित अन्य हिस्सों में भी जो ईडी की टीम है जिसने छापेमार कार्रवाई की है उनके अलग अलग ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। फिलहाल राजधानी रायपुर का जो सुमित ज्वेलर्स है यहाँ पर इनकम टैक्स विभाग की टीम ने भी छापा मारा। इसके अलावा दुर्ग में खंडेलवाल कॉलोनी में सीए सुनील जैन के यहाँ छापामार कार्रवाई हुई है। वहीं शिवम मॉल में जीवन प्लाजा के यहाँ सीए राजेश कोठारी के यहाँ छापामार कार्रवाई हुई है। वहीं सराफा जो लाइन है वहाँ पर साहिल ज्वेलर्स, नवागार ज्वेलर्स, सहेली ज्वेलर्स के यहाँ ईडी का छापा पड़ा है। तो इस तरीके से आप देखिए अंदर में जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। जो अधिकारी हैं ईडी के वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो सीआरपीएफ की टीम है भारी भरकम संख्या में वो भी यहाँ पर आई है। तो राजधानी रायपुर के साथ में राजनांदगांव और दुर्ग में भी इनकम टैक्स विभाग के साथ में ईडी के जो छापे हैं वो इसी तरीके से जारी हैं। बीते 3 दिनों से छत्तीसगढ़ में ये हड़कंप मचा हुआ है कि आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर इनकम टैक्स के 50 से ज़्यादा ठिकानों पर पिछले 3 दिन से सर्च जो है वो उनका लगातार जारी है। वहीं अगर ईडी की बात करें तो आज 3 जो अलग अलग जिले हैं वहाँ पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है और उसके बाद में अब लगातार कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। ये बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर जो दस्तावेज हैं वो अवैध दस्तावेजों के साथ संपत्ति के साथ में जो ज्वेलरी शॉप है वहाँ पर बड़े पैमाने पर सोने और चांदी का जो पूरा तरीके से यहाँ पर लाया गया था, किस तरीके से उनकी यहाँ पर अकाउंटिंग की गई है, उस अकाउंटिंग में गड़बड़ी की बात ईडी को पता चली थी और इसी वजह से ईडी ने एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर छापेमार कार्रवाई कपड़ा व्यवसायी के यहाँ, ज्वेलरी शॉप के यहाँ और एक अन्य वैध के यहाँ पे छापेमार कार्रवाई फिलहाल चल रही है। आने वाले दिनों में इसका खुलासा होगा कि आखिरकार कितने बड़े पैमाने पर संपत्ति के कागजात, बैंक के लॉकर्स और इसके अलावा क्या कुछ संपत्तियाँ निकल कर सामने आई। छत्तीसगढ़ रायपुर से TV9 के लिए अमित मिश्रा।